नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला है 10 लाख नई भर्ती के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उमंग स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, टेक्स्ट बुक को सुपर कोचिंग की तरफ से लाया गया है दिवाली धमाका पैक सेल। ये जो है कि बिल्कुल लोवेस्ट प्राइसेस रखा गया है, लेकिन ये ऑफर मात्र 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का है। आप कहोगे सर ऐसा क्या है कि बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस ऑफर रखा गया है? यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड SSC बैंकिंग रेलवे प्लस डिफेंस का जो पैक है धमाका पैक, जिसका कि प्राइस है 19,999 रुपया, इसको कम करके कर दिया गया मात्र 999 रुपया। इतना ही नहीं, यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे उमंग 20, तो उस केस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा 899 रुपये, वो भी पूरा का पूरा 12 महीने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं PIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, PIB.gov.in। वैसे इस स्टेटमेंट को अलग अलग मीडिया पोर्टल्स के द्वारा अलग अलग तरीके से कवर अप किया गया है, लेकिन आपको पता होगा उमंग स्टडी हमेशा से ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करती है, इसलिए उमंग स्टडी सीधा डायरेक्ट आपको PIB के ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट को। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले यहां पे आपको ये डेट देख लेना चाहिए कि PIB का डेट क्या है। पोस्टेड ऑन 20 अक्टूबर 2022 1:50 PM बाई PIB दिल्ली। आगे क्या कहा जा रहा है यहां पे देख सकते हैं, एक मिनट। पहले चरण में 75,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी, नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। आगे कहा जा रहा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चयन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता था फ्रेंड, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो। बैंकिंग तो कुछ अच्छा करती है, लेकिन रेलवे और SSC के ऊपर कि जहां एक तरफ हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मैक्सिमम चीज़ों में डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन जब भर्ती की बात आ जाती है तो पेपर लीक का मामला हो, उसके बाद अलग अलग तरह की खबरें आती रहती है कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो आखिर इन चीज़ों में डिजिटल प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया जा रहा और क्यों नहीं एक सही समय पर सारी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जा रहा है? आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं कंप्लीट खबर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। ओके, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मियों को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों या विभागों में नियुक्ति किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे, जैसे समूह ए, समूह बी। आपको पता होगा कि ग्रेड ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो नौकरी होती है वो गजेटेड होता है। गजेटेड को हिंदी में राजपत्रित बोलते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में राजपत्रित लिखा गया है। समूह बी जो कि आपका नॉन गजेटेड होता है, जिसको हिंदी में अराजपत्रित बोलते हैं, और समूह सी जिन पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही है उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल, कार्मिक, उप निरीक्षक, कॉन्स्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, आयकर निरीक्षक, MTS तथा अन्य शामिल है। ये भर्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो स्वयं या UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। शीघ्र भर्ती के लिए चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा फ्रेंड कि जो आप लोगों का स्टेटमेंट दिया गया था प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख मतलब कि नियुक्तियां की जाएंगी, तो क्या वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की जा रही थी या फिर रोजगार मेला के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां दी जाने की बात की जा रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार मेले में किस तरह की नौकरियां दी जाती हैं ये आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहां पे एक तरफ जैसे कि सभी चीजों को अच्छे तरीके से करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट यह है कि आने वाले 1 साल के अंदर, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, चाहे फिर आपका रेलवे हो,
किन किन डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां आएंगी, कब आएंगी, वो भर्तियां कब कंप्लीट होगी, इसका कंप्लीट डिटेल्स बताए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति बना के रखना, आखिर कब वैकेंसी आएगी। रेलवे की वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं तो लास्ट वैकेंसी आप लोग को 2019 में आई थी और अभी 2 महीने के बाद आप लोग का 2023 आने वाला है। पिछले 4 साल से किसी प्रकार की कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ताकि रेलवे के विद्यार्थियों की ऐसी क्या गलती है कि उनको रेगुलर वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, तो आखिर क्या रेलवे विद्यार्थियों का यह हक नहीं है कि उनका एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए और जो भी भर्तियां हो, आपको 10 भर्ती देनी है, 20 भर्ती देनी है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर दीजिए और प्रॉपर एक एग्जाम कैलेंडर निकाल करके दीजिए। तो रेलवे के एग्जाम कैलेंडर का जो मांग है, ये कितना ज्यादा रेलेवेंट है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रेलवे को एग्जाम कैलेंडर एक जारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना तो क्यों नहीं करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।